देखो आपको बताता हूं मेरे भाई, जैसे ही आप लोगों ने घर में कपड़ा खोला, तुरंत रोज धोने में डाल दें। कितने लोग हैं, बराबर दो टाइम तो भी उसका रिसाइकलिंग करते हैं। कितने टाइम, या तो दो टाइम या तीन टाइम उसको वहां अटका देगा, फिर एक पहन लेगा, वापस इसको खोल के वहां अटका के कल जो पहना वो लेके वापस पहनेगा। अरे तुझे मैं इतना मेल दूं हाथ में, ले भाई चंदन ले लेकर के, लेगा लेगा मेल तो ये मेल को उठा उठा के रोज पहनता है। तुझे ध्यान रखना कि मेला शरीर, उस मेल के शरीर से लिपटा हुआ कपड़ा नकारात्मक शक्ति होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। और जो आदमी बगैर धुले हुए कपड़े को निकाल के वापस पहनता है, मैं लिख के देता हूं 100%, कोई माइका लाल इसको गलत साबित कर दे 1000 करोड़ दूंगा, जो धुले हुए कपड़े नहीं हैं और गंदे कपड़े को पुनः उठा के दरवाजे के एंगर से पहनता है उसको पैसे की तकलीफ जरूर रहेगी भैया जिंदगी में। आप 1000 करोड़ बोल देता हूं नहीं है, वो साबित कर दे कोई। मैं पुराना ही कपड़ा पहनता हूं महाराज, लेकिन मेरे को कोई पैसे की तकलीफ नहीं। एक आदमी साबित कर रहे, कोई असंभव है वो साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेला कपड़ा पहनता है वो तुरंत नेगेटिव एनर्जी की एक ऑरा को क्रिएट करता है, उधर तक समृद्धि अंदर ही नहीं आ सकती। फटा कपड़ा पहन चलेगा, लेकिन धुला कपड़ा पहन ये बहुत जरूरी है। तू फटा पहन रहा है कि नया पहन रहा है मतलब नहीं है, धुला हुआ पहनना जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं पैसे की तंगाई तेरे को रहेगी, क्योंकि समृद्धि को खींचने की आकर्षण तेरे शरीर में उत्पन्न होगा ही नहीं महाराज। कहीं किसी भी घर में जाओ, आप जाओ किसी भी घर में, दरवाजे के पीछे एक एंगर लगा होता है, उसमें 4-5 कपड़े लटकते हैं कि नहीं महाराज? जो धोना था तो क्यों लटक रहे हैं? क्योंकि कल इसको वापस पहना है। खुद का ही शरीर का बदबू खुद को ही पसंद नहीं आए, लेकिन उठा के उसको जरूर पहने। क्या क्या शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना, पिशाब जाके आए हाथ पैर पहले धोना। हमारे काशी में जिनसे भैरव साधना मैंने सीखी, श्री भटुकनाथ शास्त्री महाराज मुझे समझाते थे कि मल जाने के बाद यानी तट्टी करने के बाद 13 बार मिट्टी से गुदा को धोएगा तो ही तेरी साधना सिद्धि होगी, मेरे को कहते थे। ऐसी ऐसी शुद्धियां दुनिया में साधक रखते, कम से कम हम हाथ पैर की शुद्धि तो भी थोड़ा रख ले। तुमको 13 बार मट्टी लेकर ढूंगा धोने बोलो तुम तो भाग जाओगे, कल से कथा सुनने ही नहीं आओ। हाँ 13 बार छोड़ के एक बार भी ढंग से धो रहे हो कि नहीं, पहले यही चेक करने एक मशीन रखेंगे, जैसे यहाँ मेटल डिटेक्टर रख के पुलिस हरेक का टेस्टिंग करता है एयरपोर्ट में मंदिरों में, वैसे तुम लोगों ने तट्टी का शरीर साफ किया कि नहीं टेस्ट करे तो 90 लोग तो फेल होंगे उसमें भी। फटाफट उठ के आ रहे हैं वहीं से, कहीं साबित होंगे कि क्या होंगे राम जाने। हाँ क्योंकि अंग्रेजों का जमाना है, अंग्रेज कागज लेके साफ करता, ये भी सीख लिया कागज लेने। अरे अंग्रेज पश्चिम दिशा के देश में रहता है, पश्चिम में कभी भी सूर्य गया उसका अस्त ही हुआ है, कभी उदय नहीं हुआ, इसलिए पश्चिम देशों के चक्कर में मत पड़ो।